नमस्कार। रईसी हमला अभी हुआ ही है और हमारे नए नए फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम इसे डील करेंगे मंत्री बनने के बाद, दूसरी बार मंत्री बनने के बाद। पहला इंटरव्यू और उनका कहना था कि हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम पूरे इस एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे पाकिस्तान को, इन सबको ठीक से देखें। मतलब डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं बोला, उनके कहने का मतलब यही था कि ये जो उन्होंने वर्ड्स बोले उस पर मैं जरा तवज्जो लाना चाहूंगा, saying that both the border issue and cross-border terrorism will be dealt with by India। अगर टेररिज्म को डील किया जाएगा और बॉर्डर इश्यू को डील किया जाएगा, बॉर्डर पे तो सीज फायर, मैं अब उसका उसका हामी नहीं, उसी उसी की आड़ में ये सारे आतंकवादी आते हैं। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की कुछ बातें तो बहुत क्लियर हैं। कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं और फॉरेन मिनिस्टर CCEA में बैठे होते हैं, सॉरी डिफेंस की जो कैबिनेट है, सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उसमें बैठे होते हैं, तो बातें उनके पास से परकोलेट होती हैं। इसी पे बात करने के लिए सुमित जैन साहब, इनका अपना चैनल भी है कॉफी विद सुमित जैन, जाकर देखें उस पर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। इस बार मोदी 3.0 आते के साथ ही तेवर कड़े दिख रहे हैं, आते के साथ ही झटका भी मिला, रईसी पे हमला हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। ना वो आतंकवादी हमारे हाथ में है, ना हमने पाकिस्तान को कहीं कुछ बोला, चुप तो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, चुप रहते भी हैं, नो डाउट अबाउट इट। बालाकोट भी ऐसे ही हुआ था, क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है या क्या कन्विक्शन है इनके दिमाग में? रोहित भाई, पहली बात यह है कि जो ये टॉपिक है पाकिस्तान का, मैं बार बार बोलता हूं आपके चैनल के ऊपर, ये ऐसे कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। कल भी मैं एक शो कर रहा था, वहां पर एक बाबा जी हैं, उनसे बात हो रही थी, वो बोलते हैं कि जब तक ये आसमानी किताब रहेगी ये जंग जारी रहेगी, ये खत्म नहीं हो सकती। तो अब इसका हल क्या है? क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? पहला ये है। और मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे भी, आपके सुनने वालों से भी और मोदी जी से भी, दो वर्ड्स, कब तक हम सहन करेंगे? क्वेश्चन है कब तक? क्या हम हमेशा उनके अटैक का ही जवाब देंगे? आप शपथ ले रहे थे, आपको और गिफ्ट दिया गया है, वेलकम टू द सीट फॉर द थर्ड टाइम फ्रॉम पाकिस्तान, और आपने ट्वीट तक नहीं किया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली है, आपके होम मिनिस्टर ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, और आप कहते हैं कि जवाब देंगे। यस, जवाब मिलेगा, उन्होंने गिफ्ट दिया है, आपको भी रिटर्न गिफ्ट तो देना ही है। पाकिस्तान के सीएम ने जब तक अटैक नहीं हुआ आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उस अटैक के बाद आई है, जिसका मतलब था सीधा सीधा वेलकम टू द सीट ऑफ थॉर्न्स। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की सारी मीडिया एक ही बात बोल रही है कि अब हमें पीओके बचाने की जरूरत नहीं है, अब बाकी भारत को अपने देश में अपनी स्टेट्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा, मोदी जी इतने वीक हैं, वहां पे वीकनेस की बात हो रही है। तो ये जो चीजें हैं उसके ऊपर आपको परमानेंटली तो रोक लगानी पड़ेगी, और रोक लगाने का काम है नाउ देयर हैज टू बी समथिंग कॉन्क्रीट। ये जो जयशंकर जी ने बोल दिया कि हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम बात करेंगे उनसे, बात से काम नहीं चलेगा। अगर आपको रामचंद्र बनने का इतना ही शौक है, तो रामचंद्र जो है वो पुरुषोत्तम राम बने थे युद्ध के बाद, जब रावण का वध किया था, अब रावण के वध का टाइम है, पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत नहीं है, वो टैग हम देंगे आपको। अच्छा, वो युद्ध जीतने के बाद आपको पुरुषोत्तम राम का टैग मिल सकता है। जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला वो अगर मैं रिपीट करूं तो, एज फार एज पाकिस्तान एंड चाइना आर कंसर्न्ड, द रिलेशंस विद दोस टू कंट्रीज आर डिफरेंट एंड द प्रॉब्लम्स आर आल्सो डिफरेंट, आवर फोकस विद रिगार्ड टू चाइना विल बी टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द बॉर्डर्स इशू एंड विद पाकिस्तान आई वांट वी वुड वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ इयर्स ओल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अच्छा, मुझे इस स्टेटमेंट से ही दिक्कत है सर, मुझे इस स्टेटमेंट से भी दिक्कत है। क्या आपकी बॉर्डर का इश्यू सिर्फ चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है? आपने सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात बोल दी पाकिस्तान के साथ, क्या बॉर्डर इश्यू नहीं है उनके साथ?
पाकिस्तान का बॉर्डर इशू कौन सा? क्यों आपने पीओके नहीं लेना वापस? देखिए वो एरिया कब्जा आया हुआ है, उसको बॉर्डर तो दोनों ही मानते हैं, आप ये समझिए लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन उसको उधर जो स्टेटमेंट है, यू हैव बॉर्डर इशू विद चाइना बट यू हैव टू इश्यूज विद पाकिस्तान विच इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड बॉर्डर इशू, आपको दोनों रिजॉल्व करने हैं। नॉट बॉर्डर इशू, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो बॉर्डर इशू नहीं है। मैं उसको डिफरेंटली अच्छा, देता हूं कि मुझे मेरे, अगर आप बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि पीओके हम लेके रहेंगे, भारत का पार्ट है, तो वो बॉर्डर का इशू भी है। अरे नहीं यार, मैं एनीवे व्हाटएवर इट इज, लेकिन जयशंकर जी ने बोला है कि चाइना के साथ हमारे इश्यूज डिफरेंट है, वो बॉर्डर के हैं, इधर क्रॉस टेररिज्म का इशू है, तो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे जयशंकर जी? बातचीत से? बातचीत तो आपने बंद करी हुई है, और बातचीत से शीख भी होगा नहीं। नहीं नहीं, पतन, ये चीज बातचीत से भी नहीं होने वाली है, होगी नहीं होगी, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग हैंड से करना पड़ेगा, और एक इंडिकेशन कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि मेरा जो टेररिज्म का इशू है वो इन्होंने कहा इसमें बोला कि वी आर गोइंग टू टॉक टू देम, हम बात करेंगे उस पर, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, विल डील विद इट, ऐसा बोला। डील विद है, डील कैसे करोगे भाई? एक साल हो गया, आप बोलते हैं मोदी जी ठंडी करके खाते हैं, एक साल से 3 अटैक हो चुके हैं हमारी आर्मी के ऊपर, कभी 4 जवान मरते हैं, कभी 5 मरते हैं, कभी G20 का बहाना था, कभी इलेक्शन का बहाना था, जॉब तो दिया नहीं, अभी ये जम्मू में फिर दोबारा से आपको वेलकम गिफ्ट मिल गया है, जॉब कब मिलेगा? और जवाब मिलने का मैं आपको आंसर देता हूं अभी, जो आपको पता नहीं होगा अभी तक, क्योंकि ये चाइना में बातें चल रही हैं, जो क्वाड की मीटिंग होती है वहां पे जो नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें भारत को इंक्लूड ही नहीं किया गया, इस बार फिलीपींस को ले लिया, एंड अमेरिका हैज इन्फॉर्म्ड कि फिलीपींस इज गोइंग टू बी देयर न्यू मिलिट्री पार्टनर, इंडिया इज आउट ऑफ इट। जैसे ही उन्होंने देखा है अमेरिका ने कि यहां पर मोदी जी की कंप्लीट मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनी है चाइना को काउंटर करने के लिए, उन्होंने इंडिया को इररेलीवेंट बना दिया है इंडो पैसिफिक में, आप जाकर देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, वहां पे नेवल एक्सरसाइजेस ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका और फिलीपींस कर रहा है, भारत का पार्ट ही नहीं है उसमें, और वहां पे एक्सरसाइजेस में उन्होंने एक पुरानी शिप खड़ी थी चाइना की रिडेंडेंट, उसको अटैक किया है दिखाने के लिए कि कैसे इसको शिप्स को, चाइनीज शिप्स को अटैक कर सकते हैं, टू सेंड अ मैसेज टू चाइना कि नाउ वी आर सीरियस इन साउथ चाइना सी, भारत उसका पार्ट नहीं है। भारत को क्वाड में घुसाया तो जा रहा है, भारत को अभी इंडियन नेवी के शिप्स जो है इस समय फिलीपींस और वो साउथ चाइना सी के कई कंट्रीज के साथ वो मतलब वहां जाकर के विजिट किया, उन्होंने डॉकिंग की है। जो उसका क्वाड है उसका नाम चेंज करके उन्होंने स्क्वाड कर दिया है, और स्क्वाड के अंदर ये पूरा, मैंने आज पूरी न्यूज देखी है चाइना के अंदर कि नाउ स्क्वाड का नाम स्क्वाड कर रहे हैं, फिलीपींस आ गया है, इंडिया को बाहर निकाल के नेवल एक्सरसाइजेस हो रही है वहां पर, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट मींस ना घर के रहे ना घाट के, आपने 10 साल लगा दिए इंडो पैसिफिक को अपने कब्जे में करने के लिए, और आज इंडो पैसिफिक में आपको ऐसा ऐसा वो साइडलाइन पे करते जा रहे हैं, और ये भी इसलिए किया जा रहा है बिकॉज यू डू नॉट हैव द मेजोरिटी, पहली बात, दूसरा आपने अमेरिका की बात नहीं सुनी, और उन्होंने बोला भी है ना तेल के लिए बात सुनी, ना S-400 के लिए बात सुनी, ना आप कोई और बात सुनते हैं, दैट मींस अब उन्होंने भी आपको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। इसलिए जब आप बोलते हैं कि हमारे बॉर्डर इश्यूज है चाइना के साथ हम रिजॉल्व करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, ना भारत के अंदर आप रिजॉल्व कर रहे हो ना बॉर्डर के ऊपर कर रहे हो, जब तक आप जवाब नहीं दोगे रोहित भाई, और जवाब भी बालाकोट से बड़ा देना पड़ेगा आपको, तभी आप ये चीजों को ठीक कर सकते हैं, वरना दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। मेरा ये प्रॉब्लम रही है, और 1.5 साल से आपके और मेरी शोध बहुत हुए इसके ऊपर, कब तक हम वेट करेंगे? आप बोलते हैं कि मोदी जी ठंडी करके खाते हैं, मैं बोलता हूं 1.5 साल हो गया, अब तो ठंडी नहीं, अब तो बासी हो गई है भाई। मैं भी 25 साल से इंटरनेशनल अफेयर्स पे ही काम कर रहा हूँ, अगर अमेरिका बिना इंडिया के क्वाड को चलाना चाहता है तो चला के दिखा दे, हम भी देख लेते हैं कैसे चलता है, औकात हो तो भाई, यही अमेरिका है ना जो हमारे पास आता है बार बार कि भैया हमें हमारे शिप्स को फ्यूलिंग दे दीजिए, रिफ्यूलिंग दे दीजिए, यही अमेरिका है ना जो आके जितना ही हम बोले S-400 इसके बिना खरीदा, रशिया से तेल इसके बिना खरीदा, लेकिन आता इंडिया के पास ही है ना, तो आपके आपका अगर वो काम चाइना को कंट्रोल करने का काम सिंगापुर कर सकता है तो करवा लो उससे, और ताइवान कर सकता है तो उससे करवा लो।
मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी आज अमेरिका जो हरकतें कर रहा है ये एक्सपेक्टेड भी थी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से, आपको ये चीजें होनी ही थी, वो कल नहीं तो आज, एंड दिस इज स्टार्टेड हैपनिंग। उसका रीजन क्या लगता है अमेरिका को? अभी मोदी जी अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगे हैं, उनको ऐसा लगता है, जबकि कैबिनेट की जब लिस्ट देखोगे ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर 5 इयर्स। बड़ी 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 पार्टी, चाहे कोई कितना बड़ा हो, एक कैबिनेट एक एमओएस, और शिवसेना जो कि शिंदे फैक्शन है उसको तो एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज ही दिया है। ये तो औकात दिखाई है सारी की सारी एलाइज को, तो अब इससे ऊपर भी कुछ चाहिए? और छोटी छोटी पार्टीज पे फोकस है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे एक एनसीपी, उसने तो ओथी लेने से मना कर दिया कि यार हमारे एमपी आए, हमें आप एमओएस दे लो तो आपको क्या करें, प्राइम मिनिस्टर की सीट दे दें। ये मैं प्राइम मिनिस्टर सीधे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे तो कोई स्टेट नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट चलानी है, थोड़ा बहुत उनको प्यार से भी रखना है। लेकिन सच बात यह है प्राइम मिनिस्टर ने किया तो है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन का ट्वीट किया था, 4 दिन बाद जवाब दिया, कल जवाब आया, अब जवाब भी दे दिया और औकात भी दिखा दिया। लेकिन जवाब भी उसी भाषा में दिया है जिस भाषा का जवाब, जो भाषा कैनेडियन प्रधानमंत्री ने यूज करी है ट्रूडो ने, उसी भाषा में जवाब दिया है। म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, मोदी जी ने भी वही किया है, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये जो चीजें हैं आप देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कंसर्न्स, यानी कि अगर आप खालिस्तानियों को पालोगे तो ये हमारा कंसर्न भी है। राइट राइट, तो वो ये ट्वीट मेरे पास था इंसिडेंटली, और हमने कहा। लेकिन एक बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, और एक तो स्ट्राइक हो सकते, मेरे पास, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जरूर बनाया था, और वो वीडियो पे मैं आई स्टैंड बाय दैट न्यूज, के पाकिस्तान ने अभी नए साइलोज बनाए न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए, और उसमें कुछ टिपिंग की है, मतलब कुछ उसमें डाला है, मिसाइल तो है ही है, कहीं उस पर कन्वेंशनल वेपन है या न्यूक्लियर वेपन है अभी तक क्लियर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन नए साइलोज बने हैदराबाद रीजन में और दूसरे रीजन में, मैंने फोटोग्राफ्स बड़ा क्लियरली दिखाई थी। उसके बाद मुझे बहुत धमकियां भी आई थी, और ये भी धमकी आई थी कि आपके ऊपर कोर्ट केस कर देंगे। फैक्ट इज कि मैंने जिन्होंने ये डाली थी फोटोग्राफ साहब ने, उन साहब की मैंने कर्टसी दी थी, उनका नाम लिया था, और अगर उनको कुछ है तो वो मुझसे बात कर ले। लेकिन सच ये कि अगर कहीं पे कुछ खबर है तो मैं उस खबर को दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं देश के लिए समर्पित हूं और इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस देश ने मुझे वो दिया है जो मुझे कोई नहीं दे सकता था, इसलिए मेरे लिए मेरी जिंदगी इस देश के लिए समर्पित, तो मैं कैसे करूंगा। एक चीज और, मतलब बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जवाब आना चाहिए था, जिस पे मैं शायद थोड़ा सा आश्वस्त नहीं हूं। क्या कहीं सर्जिकल स्ट्राइक, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले हो जाएगी, लेकिन ये जो फोटोग्राफ सामने आई थी इसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक उस समय नहीं हो सकती थी। द रीजन बीइंग कि अगर एक वॉर हो जाती तो इलेक्शंस भी चलते, प्रोलॉन्ग भी होती, और बहुत सारी इंटरनेशनल सिचुएशन हमारी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वो सारी सिचुएशन नहीं है, स्ट्राइक हो सकती है क्या? अब पहली बात ये है कि दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिलिंग द बीन्स कि हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मेरी विश क्या है। विश है अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। दो बार आपने कट लगाने की कोशिश करी उनको, वो आपने लगा दिया, इस बार पूंछ काटनी पड़ेगी, और पूंछ काटे बिना आपका काम नहीं चल सकता, ये मेरी ख्वाहिश है। सर्जिकल स्ट्राइक का भाई अगर आप देशभक्त हो, भारत में बैठ के काम कर रहे हो, मैं दुश्मन कंट्री में बैठकर जो काम कर रहा हूं, हिम्मत होगा दिखा के दिखाई, कोई सलाह इसमें कोई शक नहीं है, ये भी हिम्मत है, जो मैं काम कर रहा हूं कोई और नहीं कर पा रहा है, एक भी और दिखा दीजिए जो चाइना में बैठकर ये काम कर रहा हो, ये भी हिम्मत है। तो ऐसा नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूं, शायद बाकी उससे ज्यादा हूं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट शेयरिंग विद यू। बट एज फार एज माई विश इज कंसर्न्ड, विश इज बहुत हो गया, जान तो जानी ही है। इस बार हमने इलेक्शंस में देख लिया, हिंदुओं के लिए कोई कंट्री सेफ नहीं है, भारत भी सेफ नहीं है, मरना ही है तो मार के मरो यार।
लेकिन एक बार तो फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा आपको, एंड इट इज राइट टाइम फॉर यू। अगर ये काम चलता रहा, ये जो बार बार प्रोवोकेशन है ये नहीं रुकेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। बेशक आप अपने बॉर्डर से दें या अफगानिस्तान से चलाएं, ये आपके ऊपर है, बट देर हैज टू बी सम आंसर एंड इट हैज टू बी लाइक दैट। ये अगर मैं बोलूं कि आपने 25 साल पहले भी कोई काम किया था, आज तक शांति है, आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है कि कैसे उस कम्युनिटी को चुप करवाना है, ये आप कैसे करेंगे ये आप देखिए, पर आपको करवाना पड़ेगा। और ये डिमांड हर सनातनी मांग रहा है आपसे कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा, आप टाल नहीं सकते इसे। कब करेंगे? जितनी जल्दी होगा उतना बढ़िया, आपके लिए भी और एक कंट्री के लिए भी, वरना वो आपका टेम्परेचर वो भी टेस्ट कर रहे हैं। आते ही आपको गिफ्ट दिया है, बिकॉज दैट मींस बिफोर यू वर ऑन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, पंगा नहीं लिया, उन्हें लगता है आप वीक हैं, आप आंसर नहीं देंगे, ये टेस्ट अब और बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के नर्व्स को ना टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पहले वो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने बिना वॉर के 1971 करगिल वॉर में नहीं हो पाया था, और उससे पहले के किसी प्राइम मिनिस्टर की औकात नहीं थी कि वो करे। बिना पीस टाइम में अपने प्लेन भेजे थे और पाकिस्तान के अंदर हमला कराया था, ये काम दोबारा भी हो सकता है। अगर आपका, मैं रोहित भाई आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, 2016 में आपने करके देख लिया, आपने 19 में करके देख लिया, 24 में भी अगर आप कोई छोटी मोटी एयर स्ट्राइक कर लेते हैं, वहां पे 100-200 कॉकरोच मार भी देते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये दोबारा हरकत हुई, क्या आप ऐसे ही जो लाइफ अपनी गवाते रहेंगे, या कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दे? कुछ तो करना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ इसलिए नहीं होती कि 200-400 कॉकरोच मारने, सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए होती है कि आप हमारे घेरे में हैं, और ये मत समझना कि हम आप पर हमला नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड, जा सकते हैं और मार के आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सामने वाला कंट्री भी कई महीने तक उसके पास एयर स्पेस बंद पड़ी थी, और उसके बाद उसके आतंकवाद कितना कम हो गया था सबको पता। ये बताना जरूरी होता है कि आप हमारे हाथ से दूर नहीं हो, ये मत समझना कि आपके हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो हम आपसे डर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए नहीं होती कि 400 लोग मार के आ गए, हमारे यहाँ 500 मरे थे, आपके 400 मार दिए बराबर। नो, सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए होती है कि ये बात याद रखना कि आपका कोई भी कोना हमारे हाथ से बाहर नहीं है, हम हमला कर सकते हैं और औकात में रहना, इसलिए होती है। Anyways, it was nice discussion. और हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वो फिगर्स बताती हैं कि 70% जो लोग हमें देखते हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक सर्जिकल स्ट्राइक इम्पेंडिंग है। थैंक्स अ लॉट सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।